स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? तो हाजिर हूँ शॉर्ट अपडेट के साथ। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशन को लेकर आगे भी जाना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है थीथा पर, आपने ध्यान नहीं देना है, वीडियो के साथ आपको बने रहना है एंड तक। अगर अचानक से आपको ये वीडियो मिली है तो ये आपके लिए उस समय का मैसेज हो सकता है। यूनिवर्स चाहते होंगे कि आप इस चीज़ को जानो, क्योंकि वो चाहते होंगे कि आप सही डिसीजन ले पाओ। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन के मन में अभी इस समय क्या चल रहा है। ओके, बहुत सारे हैं, काफ़ी स्ट्रक सिचुएशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं एंड बात तो आपसे करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रक आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, हैंग्ड है किसी सिचुएशन में, इस रिलेशन को लेकर स्टक और हैंग्ड दोनों कार्ड ये आए हैं, फंसे हुए हैं परिवार और प्यार के बीच में। मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, आपसे प्यार भी बहुत है, आपको लेकर काफ़ी पोजेसिव भी हैं, आपसे बहुत बातें भी करना चाहते हैं, आपके बिना काफ़ी उदास हैं, उनके मन में हैं बहुत सी बातें। यस, टू ऑफ कप्स आया है, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके बिना खुश नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि वो आपके बिना खुश हैं तो ऐसा नहीं है, आपके बिना, आपके जाने के बाद आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में एक बोझ सा बना हुआ है, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में या तो ब्लैक मैजिक करा गया है या किसी की ईवल आई है आपके रिलेशन में, कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हों। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो यहाँ पर निकल के आई है, एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, म्यूजिशियन। ओके, अच्छा दो कार्ड थे, चलो इस कार्ड को तो छुपाना पड़ेगा, स्टार कार्ड है इसके नीचे लवर्स एंड म्यूजिशियन को हम ऊपर रख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन के मन में अभी ये समय क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच तो भी रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको लेकर काफ़ी क्रेव करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट के नाम पे ना ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है एंड आपको ज़्यादा पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन कौन है। इनकी फैमिली हो सकती हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी ईगो, खुद की ईगो, क्योंकि एम्परर कार्ड आया है, इनको ईगो, इनकी अंदर एक ईगो भी हो सकती है, स्टबन नेचर के हो सकते हैं, इनका काम भी हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई लव पार्टनर हो, वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं। अब मेल फीमेल पर आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका पार्टनर कौन है। ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट जैसे मैंने बात करी थी कि कमिटमेंट के नाम पर ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण आप पूरी तरह से आप भी इस सिचुएशन में हैंग्ड हो, बीच में लटका के रखा है ये अपनी आप इस रिश्ते को ना अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, ना पूरी तरह से आ रहे हैं ना पूरी तरह से जा रहे हैं, जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, प्यार को चुनो के परिवार को चुनो, इस चीज़ में आपके पर्सन हैंग ना, कोई तो है आप दोनों के बीच में। देखो, आप अपनी ना सारी बातें अपने फ्रेंड्स को, किसी को मत बताओ कि मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं भी आपने किसी के साथ अपने पर्सन की फ़ोटो शेयर की है, जिसके कारण उसके अंदर ना एक नेगेटिविटी है कि अरे इसको ये कैसे मिल गया, ये तो लगती नहीं है या लगता नहीं है, इसके काबिल नहीं है इसको ये पर्सन मिले, कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा थॉट भी दिखाई दे रहा है। या आपके पर्सन ऐसे हैं, हो सकता है कि, या आप बहुत सिंपल हो सकते हो, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी रिच हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल आया है, हो सकता है वो बहुत रिच हो, बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, जिसके कारण कोई तो ऐसा है जो कि पसंद नहीं कर रहा है कि अरे इसको ये कैसा मिल गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो डिज़र्व नहीं करती है, ये डिज़र्व नहीं करता है। या आपकी पार्टनर, अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो आपकी पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकती है, तो आपके दोस्तों में मुझे यहाँ पर एक जलन दिखाई दे रही है, अरे ये कैसा है, इसको उसने कैसे पसंद किया, कैसे इसमें क्या देख रही है वो, इससे अच्छे तो हम हैं, मतलब कुछ मुझे ऐसे सिचुएशन ईवल आई मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन घर में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे ही अपने दिल को तोड़ देते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है,
आपके पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार बहुत है, आपके बिना जीना दुश्वार है इनके लिए, बहुत उदास है आपको लेकर। कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, रात को मोस्टली ये आपको बहुत मिस करते हैं, स्टक हैं आपकी यादों में। आपका एक चेहरा, आपका एक आपकी पॉजिटिविटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, ये आपको अपनी फैमिली में भी लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या कार्ड आया है, मोस्टली मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। जितने भी व्यूअर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने किसी ट्विन के साथ डील कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलाया गया है। यस, आपके पर्सन आपके साथ खुशियाँ देखते हैं। स्टार कार्ड ये बता रहा है कि आप उनकी वो ख्वाहिश हो जिसको वो पाना चाहते हैं। यूनिवर्स का हाथ है इस रिलेशन में, इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपको इसको तोहफे के रूप में दिया है इस रिलेशन को, या उनको आपके पर्सन को आप तोहफे के रूप में मिले हो, लेकिन आपके पर्सन ने पहले जो वैल्यू नहीं की थी, अब इनको वैल्यू करवाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं, जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो अभी आज की एनर्जी निकल के आई है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ईवल आई है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपने पर्सन की फ़ोटो को शेयर मत कीजिए। मैं ब्लॉक हूँ या वो अभी मुझसे बात नहीं कर रहा है, इससे आप दूसरे सामने वाले को खुशी दे रहे हो। उसने तो वो सामने वाला बोलेगा ना, अच्छा हुआ ये काबिल ही नहीं थी या काबिल ही नहीं था, ठीक है। तो वो उस चीज़ को सोच सोच के मैनिफेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपके बीच में ब्लॉकेजेस आते हैं। तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, वो आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, वो आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेकंड सिनेरियो है आपके रिलेशन में, आपके रिलेशन को नज़र लगी है बहुत बुरी तरह से। ब्लैक तारा माँ का आप चैंटिंग कीजिए रात को सोने से पहले, और उनको प्रेयर कीजिए कि जिसने भी हमारे रिलेशन को नज़र लगाई है, या जो भी काली नज़र हमारे बीच में है, उसको दूर कर दीजिए। तो ये तो थी आपके लिए एक शॉर्ट अपडेट, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे आए हो, पहली बार देख रहे हो, रीडिंग अचानक से आपके सामने आई है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।